I was a journalist. Okay. I started my career in Bombay. Mm-hmm. When I was a media person, like all these youth people, right. Used to go to press parties. Okay. And I started my own paper from Delhi, Stargazer. Okay. Which was equal to Stardust that time because my paper was very positive, not negative. So I had friendship with the film industry, and eventually from journalism, I came to movie making. First I make one short film, okay, called Six, with the help of my friend Kushwant Singh, who are a dear friend of mine, who died recently in the age of 99. And I told him that I want to make a short film about my religion. I want to tell the whole world what is a Sikh religion. Okay. And I made two reels in black and white when there was no internet, no video. Okay. And I took the two reels in my bag, $8 in my pocket, and went all around the world. Achha. And but mind you, I have not shown that movie commercially. I shown in all the gurdwara in the world. Mm. And they used to hire the projectors. Okay. There was no video. आपको भी बहुत आसान हो गया एक मिनट यूट्यूब खोले. आई हैव नो इंटेंशन टू मेक. हाँ, बेसिकली मेरे अंदर अंकुर था राइटिंग का. बचपन से लिखता हूँ, लिखता आया हूँ और लिखता रहूँगा मरने तक. अब मैंने फिल्म जो मैं बना रहा हूँ वेलकम टू इंडिया, ये मेरे यहाँ है, इसके अंदर है, इतनी इतने 3 इंच के अंदर. आप पूछेंगे कैसे. मैं मनोज कुमार के स्कूल का आदमी हूँ. मनोज कुमार मुझे कहते थे फिल्मों की स्क्रिप्टें कागज़ पर नहीं बनती, यहाँ बनती हैं. अभी आप मेरे से आप डिस्कस करें, मैं अपनी फिल्म का पहले से लास्ट फ्रेम तक आपको बता सकता हूँ. तो बात खत्म हो गई. उन्होंने मेरी फिल्म देखी, अप्रिशिएट की, थैंक्स टू मनोज कुमार जी, उन्होंने मेरा परिचय करा दिया उनसे. तो हम लोग कोई उनका कोई शो था औरंगाबाद गए, वो मेरे को सब जा एक पूरा चार्टर प्लेन किया था. तो जब फ्लाइट लैंड कर रही थी बम्बे एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा वहाँ डिले था ऊपर, तो बोलते तू क्या करना चाहता है. मतलब मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. पहले मैंने शॉर्ट बनाई, मैं फीचर. मतलब क्या बनाना चाहता हूँ, कोई कहानी है. हाँ मेरे माइंड में है. बोल तो बड़े सनकी किस्म इंसान है. उसने घड़ी देखी, 5 मिनट है फ्लाइट लैंड होने में, और 5 मिनट के अंदर तुम मुझे कहानी सुना दी, मुझे पसंद आ गई, तो फिल्म बना. क्या है सर, मेरा स्लोगन है कि हर आदमी वेस्ट की तरफ भाग रहा है. ठीक है, आज आप किसी को बोलो बाहर जाना है, वो कहेगा 10 लाख रुपया देता हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को 20 साल पहले छोड़ दिया सर. फेम को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, औलाद को छोड़ दिया, सब को छोड़ दिया. मैं आश्रम चलाता हूँ ऋषिकेश में, योगा आश्रम प्लस मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ मुझे शांति मिलती है. तो वहाँ मैंने क्या देखा कि पूरी दुनिया, आपको पता ऋषिकेश को क्या कहते हैं अग्रवाल साहब, सतीश जी, उसको कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और वहाँ आपको जैपनीज, ऑस्ट्रेलियन, कोरियन, मतलब कौन से देश के लोग नहीं आते और छोड़ छाड़ के आते हैं. व्हाट इज द फाइनल मैसेज टू द पब्लिक एंड स्पेशली द अदर पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हु आर ट्राइंग टू फाइनल मैसेज. मुझे ये कहना है कि आप किसी का हक मत मारिए. आप आज करोड़ों मन आप लोगों ने लोगों के कैसेटे बेच करके करोड़ों रुपए कमाए, उनका हक उन्हें दीजिए. ऊपर वाला बैठा देख रहा है. और बड़े मजे की बात है कि मैंने किसी को कभी राइट नहीं बेचे मेरी फिल्में. आप 1 सेकंड में यूट्यूब पे टाइप कर लो मत्कार 1986, 1 मिनट में आ जाएगी. अरे आपकी उंगली हिली, आपने फिल्म फ्री में देख ली, और बनाने वाला उसको क्या मिला, जीरो. ये जो आपका अभी मीडिया आ गया ना सर इंटरनेट का, इट इज़ गुड बट इट इज़ हार्मफुल. इसमें कोई कॉपीराइट है ही नहीं. इसके लिए जिसकी चीज़ है उसको उसका हक जरूर मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है. बाकी मेरे से किससे ना कोई लड़ाई है, मैं सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे चलता हूँ.